हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए, इस जॉब के बाद डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा, ताकि आप इस जॉब के बाद सारा चीज़ समझ पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट: उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर। ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 10 जनवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स: आप इस फॉर्म को 8/1/2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 21/2/2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम आप लोग का जुलाई 2022 में लिया जाएगा। अब देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। ओके, जनरली SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और जनरली OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से कंप्लीट किए हो, साइंस बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। वैकेंसी डिटेल्स इसमें देखिए, टोटल वैकेंसी 221 है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए 65 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस के लिए 43 पोस्ट है, गुलमनियक मेल PSC IRB के लिए 89 पोस्ट है, फायर ऑफिसर के लिए 24 पोस्ट है। यहाँ से आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, क्या आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम, फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। इसमें देखिए, आप लोग को 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें आप लोग को 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। ओके, जिसमें कि जनरल हिंदी से आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। ओके, अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए हाइट 167.70 cm होना चाहिए, चेस्ट 78.8 to 83.8 cm के बीच में होना चाहिए चेस्ट। ST कैटेगरी के लिए हाइट 160 cm होना चाहिए, चेस्ट 76.5 to 81.5 cm के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए देखिए, जनरल OBC SC कैटेगरी के लिए हाइट 152 cm हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए चेस्ट का ज़रूरत नहीं है। ST के लिए हाइट 147 cm हाइट होना चाहिए और चेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट तो देखिए, मिनिमम वेट फीमेल के लिए 45 kg होना चाहिए, कम से कम 45 किलो आपका वेट होना चाहिए। अब देखते हैं PT, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रनिंग करने होंगे विद इन 30 मिनट्स। अगर आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्रिकेट बॉल आप लोग को थ्रो करने के लिए बोला जाएगा, फेंकने के लिए 50 मीटर। ओके, लॉन्ग जंप आपको करने के लिए बोला जाएगा 13 फीट 13 फीट। ओके, चिन अप करने के लिए बोला जाएगा 5 टाइम्स, दंड बैठक 40 दंड, आप लोग को 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 50 बैठक 60 सेकंड आप लोग को टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, फीमेल के लिए 200 मीटर रनिंग करने के लिए करना होगा विद इन 40 सेकेंड। और देखिए, क्रिकेट बॉल थ्रो करने होंगे 20 मीटर, जंप करने होंगे 8 फीट, और देखिए स्किपिंग 60 टाइम्स 1 मिनट में। ओके, अब देखते हैं सैलरी, किस में किस तरफ का सैलरी आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, इसमें आप लोग को लेवल 7 का सैलरी मिलेगा, इसमें बहुत अच्छा सैलरी आप लोग का। आपका इनिशियल सैलरी देखिए, जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो 44,900 आप लोग का इनिशियल सैलरी रहेगा।
देख सकते हैं 44,900 लेकर के 1,42,400 तक आप लोग का फेलियर हो जाएगा। देखिए अगर आप इसमें फ्लेक्शन ले सक लेना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम को केयरली स्टडी करना होगा। ठीक है, देखिए सिलेबस को आप लोग टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए फॉर देट आप लोग क्लियर कर पाएँ इस एग्ज़ामिनेशन को, और पीटी के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखिए एक बात, अगर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हाइट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे ना, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे फिर देखिए मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आपका मेहनत बेकार हो गया ना। इसलिए आपका हाइट है, चेस्ट नहीं है तो चेस्ट बन जाएगा, लेकिन हाइट है तभी आप इसको अप्लाई करें। ओके, अदरवाइज इस फॉर्म को आप अप्लाई ना करें। ओके, तो आई होप आप लोग को इस जॉब का अबाउट सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।